उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार पधार चुके हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बता दूँ सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक धीरे धीरे समय आ रहा है, ऐसे में बेहतर तैयारी न होने पर जो है ना आपको सीटेट में जो है ना पिछड़ेपन का देखने को मिल सकता है। इसलिए बेहतर तैयारी करके ही सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए ताकि एक ही बार में जो है ना सीटेट क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है, दोस्तों आज का सेशन है SST का, ठीक है। इससे पहले हिंदी CDP की मैंने आप लोगों को समझ प्रोवाइड करवाया था और इसके बाद जो है आज SST का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कोड चलते हैं, क्या कर रहा देख लीजिए। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी, और जितने भी क्वेश्चन में आप लोगों को समक्ष इस वीडियो में देखने को मिलेगा ओनली फॉर जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर छोड़ के दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। सीटेट नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में नहीं बल्कि ऑफलाइन में एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। SST वाले में 6 to 8 वाले पेपर 2 में इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका क्या कुशीनगर होगा, मथुरा होगा, उज्जैन होगा, चंपा होगा। इसका बेस्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कुशीनगर। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी स्थित थी उस समय में दोस्तों ये कुशीनगर में स्थित थी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देख लीजिए क्या करा है। महाजनपद काल में राजा कृषकों को उनकी उपज के कितना हिस्सा कर मतलब अधिकार, जो राजा का अधिकार बनता था, जो किसान खेती बाड़ी करता था, जो उपज जो फसल उपजाते थे उनमें से जो है ना राजा का हिस्सा कितने रूप में लेते थे। सीटेट नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये भी ऑफलाइन के मोड में ही पूछा गया है, ठीक है। क्या दोस्तों 1/6 के रूप में राजा को दिया जाता था, 1/2 के रूप में राजा को दिया जाता था क्या, 1/8 के रूप में, और 1/16 के रूप में, ठीक है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर से हो जाएगा। 1/6 हिस्सा जो है ना वो राजा को दरबार में जो है ना कृषक लोग यानी किसान लोग दे देते थे, क्योंकि उस समय जो है राजा का जो है ना शासन चलता था, राजा के अंदर में ही रहना चाहता था, तो जो प्रजा होता था, जो किसान होता था, जो खेती बाड़ी करता था, जो भी फसल उपजाता था, उनका जो है ना जितने भी फसल उपजा है उनका 1/6 भाग जो है ना वो राजा को दरबार में उतना जो है ना उपस्थित कर देता था यानी दे जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, यानी किस काल में, कर मतलब होता है कर्जा दोस्तों, ठीक है। इस कर का अर्थ निकलता है कर्जा, यानी किस काल में कर्जा का प्रथा विशिष्ट महत्व था। सीटेट नंबर 2012 में ये ऑफलाइन मोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। महाजनपद में क्या, गुप्त में, हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो है, ये ऑप्शन नंबर बेस्ट आंसर जो है ना इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाजनपद में, ठीक है। महाजनपद में क्या था दोस्तों, कर्जा का जो है ना ऋण का जो है ना प्रचलन ज्यादा था और उन चीज़ को ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या। अगर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। सीटेट नवंबर नहीं बल्कि ये सितंबर में 2014 में ये दोस्तों ऑफलाइन मोड में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, सीटेट जो लिया था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, गंगा तथा यमुना के मध्य क्षेत्र, गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य क्षेत्र, ठीक है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों चौथा का जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो है ना दोस्तों ये बेस्ट आंसर, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र को जो क्या कहा जाता है, मगध कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि गंगा का दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मगध मारना, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मगध को क्या कहा जाता था, तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता था। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा का पूछ सकता है और झांसे में नहीं आना है बल्कि डटकर सामना करना है और अच्छे तरीके से राइट आंसर जो है ना लिख के आना है, जो है ना उसको जो है ना आंसर बेस्ट आंसर करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा। संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है,
ठीक है। संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है, यह कितनी पुरानी है? चलो मान सब जानते हैं कि सबसे पहला जो है ना प्राचीनतम कृति क्या है दोस्तों, संस्कृत। संस्कृत जो है ना पहले बहुत प्रचलित था, क्योंकि संस्कृत में पहले जो है ना संस्कृत में पहले भाषा भी बोलते थे प्राचीन के लोग, और इसके बाद जो है ना कुछ भी अगर लिखते थे तो संस्कृत में ही लिखते थे, ठीक है। इसीलिए उसको जो है ना पूरा जो है ना ये ऋग्वेद में जो है ना प्रस्तावित हुआ है, और इसका जो है ना दोस्तों ये कह रहा है कि लगभग कितने वर्ष तक जो है ना ये पुरानी है, क्या दोस्तों 5 वर्ष तक, 3500 वर्ष तक, 1500 वर्ष तक, क्या 1600 नहीं बल्कि 1700 वर्ष तक, ठीक है। तो दोस्तों इसका बेस्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका बेस्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो है ना ये बी के साथ चला जाएगा, बेस्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 3500 वर्ष तक का, ठीक है। ये 3500 वर्ष तक का है ऋग्वेद में ये पुराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, देख लीजिए। महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, यानी कह रहा है इसमें कि महावीर का जो है ना सबसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति जो है ना किस आयु में हुआ। सीटेट नवंबर 2013 में ऑफलाइन मोड में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन मैंने उठा के आप लोगों को आँखों के सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। अगर चैनल पर पहली बार पधार चुके हैं जो भी भाई बहन गृहिणी, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम सीटेट का बेहतर से बेहतर तैयारी करके जाए, तो आप लोग कोई भी जो है ना बड़ा प्लेटफॉर्म आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च कीजिएगा कि अगर हम सीटेट को बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते तो उसके लिए क्या होगा। उसके लिए सबसे उसका आंसर यही आएगा कि प्रीवियस ईयर्स PYQ, इससे बेस्ट जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अगर आप करके जाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे जो है ना नंबर से जो है ना आपको परिणाम मिलेगा, ठीक है। महावीर के किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या दोस्तों 30 वर्ष का, 32 वर्ष में, 40 वर्ष में या फिर 42 वर्ष में। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों 6 नंबर का, ठीक है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो है डी के साथ चला जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 वर्ष की उम्र में जो है ना उसको ज्ञान की जो है ना कुख्यात यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, यानी सबसे ज़्यादा अधिक ज्ञान की प्राप्ति उसको 42 वर्ष में जो है ना किसका, महावीर का जो है ना प्राप्ति हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कड़ा है। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कड़ा है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल का स्थलकालिंग होगा दोस्तों। ये दोनों को जन दोस्तों एक ही में मिला दीजिएगा, अगर जो भी विद्यार्थी नोट बनाते होंगे नोट्स, ये कलिंग होगा, ठीक है। कलिंग वर्तमान में कहाँ का है, तो देखिए मौर्य शासक अशोक द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, लड़ी गई थी, लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ का, मतलब कह रहा है कि कलिंग जो है कलिंग कहाँ वर्तमान में कहाँ है, कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ है। तो सीटेट 2012 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। केरल में है क्या, आंध्र प्रदेश में है क्या, कर्नाटक में है क्या दोस्तों, उड़ीसा में है क्या दोस्तों। तो इसका बेस्ट आंसर होगा दोस्तों 7 नंबर का, 7 नंबर का इसका बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ये कलिंग जो है ना उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में। इसका बेस्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर का, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें आपको डॉट डॉट जो दिया है इसमें आपको भरना है। सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या दोस्तों कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल, ठीक है। तो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है ना ये बेस्ट आंसर इसका जो है ना डी के साथ चला जाए, क्योंकि उस समय जो है ना कंबल की बहुत जो है ना प्रमुखता बढ़ गई थी, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ना डी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम, ठीक है। इसका राइट आंसर कंबल जो होगा डी ऑप्शन साथ चला जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। चाणक्य ने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे भी जाना जाता था, क्या जाना जाता था दोस्तों। सितंबर देख लीजिए फरवरी 2015 में जो है ना आपको 15 तक और इससे पीछे भी जो है ना ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। यही 2 साल से जो है ना आपको जो है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद फिर जो है ना अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। इसीलिए जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लोग जो है ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है,
देख कर जाना है, तभी आपका जो सीटेट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा दोस्तों आप लोग फंस सकते हैं, क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों कम से कम भले ही आपको अगर मेरा चैनल पर विजिट पहली बार किया अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही चैनल से जो है ना जुड़े रहिए, ठीक है, आप दूसरा का भी देख लीजिए, लेकिन दूसरा चैनल भी देखने के पश्चात जो है ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा कीजिए, ठीक है, आपको इससे बेहतर जो है ना क्वेश्चन की भी जानकारी पूछ लिया जाएगा, मतलब अनुभव होगा कि पैटर्न किस प्रकार से जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है, किस हिसाब से पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको जो है ना बेहतर तैयारी भी होगा और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम सीटेट का क्रैक भी कर पाएंगे। चाणक्य ने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे भी जाना जाता है क्या दोस्तों, सीटेट फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, अथर्ववेद का, अर्थशास्त्र का, यजुर्वेद का, धर्मशास्त्र का, तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये 9 नंबर का क्वेश्चन बेस्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये बी ऑप्शन अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का जो है ना ये जो चाणक्य ने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे तो क्या था वो पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र में जो है ना चाणक्य ने अपने जितने भी विचारे थे उसने लिखते लिखते एक पुस्तक का भी निर्माण कर दिया और उस पुस्तक का नाम जो है ना क्या रखा, अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बस इतना ही क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोगों वीडियो देखते जाइए और दिमाग में वो क्वेश्चन ऐड होता जाए, ठीक है। चलिए रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की मांग थी, रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की मांग थी कि इसे देख लीजिए आप यहाँ पर आपको भरना है, इसके नाम से जाने जाते थे क्या दोस्तों, काला जादू, ठीक है, इसके बाद काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना, ठीक है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, रोमन साम्राज्य में अगर किसी भी चीज़ की मांग थी तो सबसे ज़्यादा जो है ना काला सोना, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। अब काला सोना का मांग ज़्यादा थे जिसको अभी हम लोग मरीच बोलते हैं, ठीक है, काली मिर्ची मरीच को ही बोलते हैं, तो इसका जो है ना उस समय बहुत मांग था क्योंकि जो है ना रोमन में जो है ना आपको बहुत ठंडी लग रहा था और जब इंडिया से ये लोग काली मिर्च लेकर जाता था तो उन लोगों को जो है ना बहुत गर्मी उत्पन्न करता था जिससे क्या होता था कि ठंडी का मुकाबला उसका शरीर कर पाता था, इसीलिए उस समय जो है ना काला सोना यानी काला मिर्च का जो है ना काली मिर्च का जो है ज़्यादा जो है ना प्रस्तावना बढ़ गया, मतलब जो है ना उसका जो है ना ज़्यादा जो है ना खपत के एरिया में जो है ना वो जाने लगा, क्योंकि ये कब था, रोमन साम्राज्य की बात है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की मांग जो है ना किसके नाम से, काला सोना के नाम से वो जाने लगा, ठीक है। जब उधर जो लेकर जाते थे ना यहाँ से मरीच यानी काला मिर्च, तो उधर का लोग रोमन का लोग क्या कहते थे कि ये जो है ना काला सोना है, ये क्या है, काला सोना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पधार चुके थे चैनल के ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।